चलो सो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि भाई बैटरी क्या करती है। 5 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है या एनर्जी। और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, विच मीन्स 5 जूल पर कूलम्ब। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम्ब चार्ज को वो 5 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। बैटरी का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। गुड आउट। और कितनी एनर्जी प्रोवाइड हो रही है 1 कूलम्ब को, वो दिखाता है वोल्ट। 1 कूलम्ब को अगर 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड हो रही है तो वोल्टेज होगा 10 वोल्ट। ओके, तो बैटरी का काम है एक आदमी को, आदमी मतलब हमारा 1 कूलम्ब, ओके, उसको 5 जूल एनर्जी लेके भेज रहा है। 5 जूल लेके एनर्जी लेके भेज रहा है, यहां तक पहुंचेगा, अपनी कितनी एनर्जी यूज करेगा वो? तो हम लोग बोलेंगे बहुत ही कम, नेग्लिजिबल एनर्जी यूज करेगा। और इधर अभी भी उसके पास 5 जूल एनर्जी होगी। जब वो रेजिस्टर को क्रॉस करता है, रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तो वो क्या करता है? रेजिस्टर को क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए उसको? एनर्जी एनर्जी चाहिए, विच मीन्स उसके पास जो एनर्जी है वो किसको दे देगा? रेजिस्टेंस को दे देगा, राइट? एक आदमी जो जा रहा है वो 5 जूल उसको देगा, विच मीन्स 5 जूल पर एवरी कूलम्ब चार्ज, विच मीन्स दिस इज नोन एज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये जो एनर्जी एक रेजिस्टेंस को दे रहा है, 1 कूलम्ब चार्ज जो रेजिस्टेंस को एनर्जी दे रहा है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। ओके, और ये फिर 0 जूल लेके वापस इधर पहुंच जाएगा। वापस ये साइकिल कंप्लीट कंटिन्यूअस होती जाएगी। कोई डाउट इतने में क्रिश? राइट, तो ये आज बेसिक वापस असाइनमेंट वीडियो ऑफ कर लिया सब लोगों ने। चलो अब इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? 10 एम्पियर करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ? बेसिक मतलब क्या हुआ? 10 कूलम्ब पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने आदमी निकल रहे हैं ऐसे? दो तो में दस और आदमी निकल रहे, 1 सेकंड में 10 आदमी निकल रहे और सर्किट में कंप्लीट ट्रैवल करके आ रहे हैं। कोई डाउट इतने में? तो ये बेसिक हमने सर्किट के बारे में पढ़ा कि सर्किट का काम क्या होता है। तो उसमें जो बैटरी होती है उसका काम होता है एनर्जी देना। उसके अंदर किसको एनर्जी देगा? चार्ज को। कितनी एनर्जी देगा वो डिपेंड करेगा उसके वोल्टेज पे। ओके, वो एनर्जी लेके चार्ज फ्लो करेगा, जैसे ही रेजिस्टेंस आएगा तो अपना एनर्जी रेजिस्टेंस को दे देगा और वापस घर पे आ जाएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था इसलिए सारी की सारी एनर्जी उसको ही देने वाले है। अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो कुछ चेंज हो जाएगा, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इन सीरीज एंड पैरेलल। समझ में आया इतना क्रेश? आपकी क्रेश सेमी समझ में आ रहा है? इसके अंदर सबसे पहले जो था वो दैट इज आई का फॉर्मूला, जो कि होता है क्यू अपॉन टी। और दूसरा ओम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ क्या कहता है? वी इज इक्वल्स टू आई आर। आर रेजिस्टेंस होता है, राइट? ये बेसिक चीज सबको पता होनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं सीरीज के लिए कि भाई सीरीज सर्किट क्या होती है, सीरीज रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो लेट्स से 3 रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में कनेक्ट किए। 3 रेजिस्टेंस मैंने जब सीरीज में कनेक्ट किए, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। मान लो आई, रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, R2 और R3। बैटरी का वोल्टेज है V। कोई डाउट यहां तक? चलो अब क्या होगा, जो आदमी निकलेगा इधर से वो कुछ एनर्जी लेके निकलेगा। वो जब इधर आएगा तो क्या सारी की सारी एनर्जी इसको दे देगा? क्या नहीं। सारी एनर्जी रेजिस्टेंस को देगा? नहीं देगा, क्योंकि आगे और भी रेजिस्टेंस है। तो इसको कुछ एनर्जी देगा, लेट से V1। तो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें V1 है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप V2 है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप V3 है। इन तीनों को ऐड करूं तो क्या मिलेगा? V। इन तीनों को ऐड करने से क्या मिलेगा? टोटल पोटेंशियल मिलने वाला है। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब इधर जो करंट निकल रहा है, आई जितना करंट निकल रहा है, विच मीन्स यहां से 1 सेकंड में बहुत सारे आदमी निकल रहे हैं। ये सारे आदमी तीनों में से पास हो गए, हाँ या ना? यस सर। सारे आदमी तीनों में से पास हो गए, मतलब हर एक जगह पे करंट कितना होगा? इक्वल, हेलो। राइट? इक्वल करंट होगा। तो सीरीज के अंदर बेटा सबसे चीज जो याद रखने की है वो क्या है? अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो करंट जो रहेगा वो
वो रहेगा इक्वल, सब में इक्वल करंट फ्लो होगा. वोल्टेज जो होगा वो क्या हुआ, डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड हो जाए. इक्वली डिवाइड नहीं होगा बेटा, डिवाइड किसके ऊपर होगा, डिपेंड्स ऑन रेजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसके हिसाब से डिवाइड होगा. ओम्स लॉ लगाएंगे तो भाई V1 को मैं लिख सकता हूँ ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू I इनटू R1. कोई प्रॉब्लम? ये हुआ पहले वाले का वोल्टेज ड्रॉप V1. तुम देख सकते हो बेटा सीरीज के अंदर जब लगाया है तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा. तो वोल्टेज जो पोटेंशियल ड्रॉप जो डिवाइड होगा वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल होगा आर से. ऐसा मैंने इसलिए लिखा बिकॉज आई सब में सेम है, समझ में आ रहा है? Yes, V is proportional to R लिखा. क्यों लिखा? Because formula पता है V equals to IR, but I constant है तब मैं लिख सकता हूँ. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ because I is constant. I is constant. आ गया समझ में? I constant है इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ. चलो V1 को IR1 लिख लिया, V2 को हो जाएगा ओम्स लॉ IR2, V3 को लिखेंगे IR3. तीनों को भाई ऐड कर लो तो वोल्टेज ड्रॉप आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये सबको पता है. Yes, V1 की जगह पे I, I कॉमन निकाल लेते R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट में आएगा. और okay? I है. और जो I है वो क्या है, बैटरी से निकलने वाला करंट I. I को इस तरफ ले आओ तो V अपॉन I बनेगा. V अपॉन I को मैं लिख सकता हूँ R नेट. क्या लिख सकता हूँ, मतलब इन तीनों को हटा के जब एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो उसकी वैल्यू आर नेट के जितनी आएगी और वो कितना आएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. क्रेज समझ में आ रहा है? समझ में आया ये सीरीज की कहानी? यस सर. सीरीज सबको समझ में आया? यस सर. आगे बढ़े? यस सर. या इसमें दो तीन क्वेश्चन करें फिर आगे बढ़े. आप किस सिस्टम में बात कर रहे थे? क्या बोल रहे हो सर? करते हैं क्वेश्चन कथन. कथन क्या बोल रहे हो, बोलो. कर रहे थे अभी क्या, अभी किसी असाइनमेंट की बात कर रहे थे इससे पहले? यस बेटा, असाइनमेंट मैं दूंगा अभी क्लास खत्म होने के बाद दूंगा. ओके, तुम्हारे व्हाट्सएप पे और गूगल क्लासरूम पे आएगा असाइनमेंट. हाँ बोलो बेटा. सर थोड़ा रिवीजन वर्कशीट दे दीजिएगा ना, प्रीलिम्स हो रहे तो सॉल्व हो जाएगा. हाँ वही बोल रहा हूँ. एवरी डे फिजिक्स, एवरी डे नहीं मतलब एवरी वीक मैं अलग अलग वर्कशीट दूंगा, रिवीजन वर्कशीट. एक एक चैप्टर को टारगेट करेंगे. क्या बोल रहे हो बेटा? एवरी डे ही दे दीजिए, कोई बात नहीं. पक्का? हाँ सर, प्रिपरेशन ज्यादा हो जाएगा. अच्छा है ना, एवरी डे 10 10 सर, 10 10 देना. अरे सर आपकी 10 क्वेश्चन एवरी डे वो चलेगा सर. क्या बोल रहे हो? बहुत आपकी एक अकेली वर्कशीट में 20 क्वेश्चन होते हैं तो हर तीन. क्या प्रॉब्लम? अरे कथन तेरे को बोर्ड में इजी पड़ेगा ना, लिखना, लिखने की प्रैक्टिस. चलो कोई नहीं, पहले ये डिस्कस कर, ये क्वेश्चन कर लो. Yes, 6 वोल्ट की बैटरी है, सॉरी 6 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है मुझे. रेजिस्टेंस ये वाला है, उसको वैल्यू दे रखी है 3 ओम. बैटरी का जो वोल्टेज है वो दे रखा है 9 वोल्ट. तुम्हें फाइंड करना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है और इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप V2 कितना हो रहा है वो फाइंड करना है, और इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है R1. आया समझ में क्वेश्चन? ट्राई करो. 9 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है. पहले में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो 6 वोल्ट का हो रहा है, दूसरे का रेजिस्टेंस 3 ओम दे रखा है. करंट तुम्हें फाइंड करना है, वोल्टेज दूसरे का, पहले का रेजिस्टेंस इतना फाइंड करना है. डन सर. हो गया सबका? हो गया सबका डन? बेटा बोर्ड के अंदर अगर सर्किट का कोई भी क्वेश्चन आया तो सर्किट ड्रॉ करनी जरूरी है.
चाहे वो सर्किट का डायग्राम पूछे चाहे कुछ भी पूछे, सर्किट ड्रॉ करना कंपलसरी है। प्रूफ भी पूछे डेरिवेशन भी पूछे तो भी सर्किट ड्रॉ करना कंपलसरी। हो गया? यस सर। करवा दूं? चलो मैं करवा देता हूं। समझ में आ रहा है? दर्शिता हो रहा है तुमसे, तीशा, खुशी? हाँ सर कर रही हूँ। यस सर। क्या है आंसर खुशी बताओ? हेलो। यस सर। क्या है आंसर बताओ? चलो वी टू इक्वल टू थ्री हो रहा है तुमसे। चलो सबसे पहले बेटा इसको अप्रोच कैसे करना है, ओके? जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं, आप इसे सुन लो ध्यान से। अप्रोच कैसे करना है? तो तुमको दे रखा है 9 वोल्ट की बैटरी, रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम। तो क्या मैं कर दू कि आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो मैं लिख लेता हूँ 9 और ये 3, which is equals to 3 ampere. क्या I 3 ampere? सही है ऐसा? नहीं। क्या ऐसा करूँ तो सही है? नहीं। अगर तुम नहीं ऐसा कर रहे हो तो नहीं करना है ऐसा, ओके? V equals to IR का फॉर्मूला तुम देख के कोई भी उठा के कोई भी I ले लेते हो और कोई भी R लिख लेते हो, तो ऐसा नहीं चलता है, ओके? V equals to IR अच्छी तरह से यूज करना है, समझ के यूज करना है। कैसे करते हैं इसमें देखो ध्यान से बेटा। इंडिविजुअल के लिए V इक्वल टू आई आर करो, इसके अंदर करंट हाँ सेम जाएगा, इसके अंदर भी वही आई जाएगा, ओके? इसका वोल्टेज अलग है, इसका वोल्टेज अलग है। सबसे पहली बात, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे 6 वोल्टेज मिल रहा है। सबसे पहला क्या लिखूं मैं बताओ? चलो वी वन इज इक्वल टू सबसे स्टार्टिंग क्या लिखे सर? पहले ये लिखेंगे कि I सबसे पहले क्या करेंगे? V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 9, तो V2 3 आ जाएगा। आवाज आ रहा है मेरा? यस। सबसे पहले क्या करेंगे सर? जो हमें दिया हुआ है उसकी डिटेल्स लिखेंगे। लिस्ट वो तो लिखनी है। मतलब कि स्टेप हेलो सर कॉल पे हो गए, रुक जा। हेलो, आवाज आ रहा है बेटा? यस सर। ओके चलो ये देखो बेटा, ये समझ में आया? सबसे पहले काम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे कि 9 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट ये अकेला खा रहा है, तो दूसरा कितना बाकी बचा? 3 वोल्ट उधर जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, उसमें V मुझे पता है 9 इज इक्वल टू V1, V1 पता है 6 प्लस V2, तो V2 आ जाएगा 3 वोल्ट। जैसे मेरे पास V2 3 वोल्ट आ गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा? V2 3 वोल्ट आ गया तो मैं क्या करूंगा? I निकाल लूंगा कि इसमें करंट जा रहा है I, रेजिस्टेंस पता है 3, तो V2 इज इक्वल टू I टाइम्स R2। ओम्स लॉ लगा दिया, I इज इक्वल टू V2 बाय R2। V2 कितना है? V2 कितना है? 3 बाय 3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर।
अब 1 एम्पियर इसमें गया या पूरी सर्किट में 1 एम्पियर होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 एम्पियर हर जगह पे होगा, राइट? तो इसके अंदर भी करंट फ्लो रहा है, बैटरी से निकलने वाला करंट 1 एम्पियर, बिकॉज ये सीरीज में, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ. ओके, यहाँ पे दूसरी कुछ सर्किट होती तो मैं ऐसा नहीं कर सकता. तो बैटरी से भी 1 एम्पियर निकला, इधर भी 1 एम्पियर गया. अगर इधर 1 एम्पियर गया तो V1 इक्वल्स टू IR1 लगा देंगे, तो R1 आ जाएगा, V1 जो कि है 6/1, तो आ जाएगा 6 ओम. तो R1 सिक्स ओम आया, I 1 एम्पियर, V2 3 वोल्ट. कोई डाउट? नो सर. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर. चलो आगे देखते हैं फिर. अब देखते हैं पैरेलल के बारे में. व्हाट इज पैरेलल? पैरेलल सर्किट में क्या होता है? तो पैरेलल सर्किट के अंदर क्या होता है, चार्ज को फ्लो होने के लिए ऑप्शन मिलता है. सीरीज में ऑप्शन नहीं मिल रहा था. सीरीज में बताया था कि भाई एक ही रास्ता है, वहीं पर चलते रहो. पैरेलल में ऐसा नहीं होता. पैरेलल के अंदर मान लो मैंने कनेक्ट किया है, इधर एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ ये दूसरा रेजिस्टेंस है, उसी के नीचे एक तीसरा रेजिस्टेंस है. ये रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, ये है R3. ओके, अब क्या होगा, जो यहां से चार्ज निकलेगा, मान लो ये आदमी निकला एक, इस आदमी का नाम हमने दिया था 1 कूलम्ब. ओके, मान लो ये बैटरी है 10 वोल्ट की, तो 10 जूल लेके निकला होगा. अब वो इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचने के बाद उसके पास 3 रास्ते, हो सकता है ये सीधा जाए, हो सकता है R2 से लेके जाए, हो सकता है R3 से जाए, कहीं से भी जाए. वो अपना कितनी एनर्जी देके जाएगा, कहीं से भी जाए कितनी एनर्जी देके जाएगा, सारी की सारी जितनी है अभी, क्योंकि आगे तो और कोई रास्ता है नहीं उसके पास, तो क्या करेगा, सारी की सारी एनर्जी दे देगा. तो हो सकता है कि यहाँ पे उसने 10 वोल्ट दे दिया, यहाँ पे भी 10 वोल्ट दे सकता है, इधर भी 10 वोल्ट दे सकता है. कोई डाउट? अच्छा, ऐसा नहीं बोलने का बेटा कि सर आप 10 इधर भी दे रहे हो, इधर भी दे रहे हो, इधर भी दे रहे हो. मतलब ये तो 10 जूल लेके निकला, बट इधर 30 जूल एनर्जी दे रहे है, ऐसा नहीं हो रहा है. इन तीनों में से कोई एक जगह पे जाएगा, जब मैं एक चार्ज की बात कर रहा हूं तब. समझ में आया? ये समझ में आया? तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि चाहे कहीं से भी जाए. हाँ बोलो सर. किस में जाएगा वो कैसे पता चलेगा? किस में जाएगा वो डिपेंड करेगा R1, R2 और R3 के वैल्यूज पे. तो ऐसा कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? हाँ, वो डिस्कस करेंगे, डिस्कस करते हैं. वो तुम्हें कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन? कौन पूछ रहा है ये? सर तेरे को वहां पे आके थप्पड़ मारूंगा. तेरे से मैंने ये एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि ऐसा बेकार क्वेश्चन वापस पूछेगा. बताइए हमें बेटा क्या होता है इसमें, देख लेते हैं. कोई बात नहीं, बताता हूँ. रेजिस्टेंस R1, R2, R3, चाहे कहीं से भी जाए क्या होने वाला है, अपना 10 वोल्ट वो देके जाएगा. इसका मतलब पैरेलल के अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा? आई वोल्ट 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 वोल्टेज कांस्टेंट रहा. ओके, वोल्टेज जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी रास्ते से जाए वो इक्वल वोल्टेज सब में देने पड़ेगा. ओके, अब बात करते हैं करंट की, कि भाई बैटरी से जो करंट निकला होगा, लेट्स से 15 एम्पियर करंट निकला, इसका मतलब क्या हुआ? 15 एम्पियर करंट निकला मतलब क्या हुआ? 15 आदमी निकल रहे हैं यहाँ पे एक सेकंड में. अब ये 15 के 15 आदमी जब इधर पहुंचेंगे, तो सभी 15 के पास क्या होगा? 3 ऑप्शन होंगे. 15 में से कुछ आदमी इधर से जाएंगे, कुछ इधर से जाएंगे, कुछ इधर से जाएंगे. ओके, अब चाहे यहां से जाए तो उसको मैं नाम दे देता हूँ I1, इधर से जाए तो नाम दे देता हूँ I2, इधर से जो जा रहे उसका नाम दे देता हूँ I3. हाँ या ना? Yes. चलो अब मैं बोल सकता हूँ भाई कि करंट जो बैटरी से निकल रहा है, I का मतलब बैटरी से निकलने वाला करंट, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है. किस किस में? I1, I2, I3 में डिवाइड हो रहा है. बहुत बढ़िया. तो करंट इसमें डिवाइड होगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहता था. सीरीज में उल्टा था, वोल्टेज कांस्टेंट रहता, करंट कांस्टेंट रहता था, वोल्टेज डिवाइड होता था. इधर वो उल्टा हो गया, वोल्टेज कांस्टेंट रहा, करंट डिवाइड हुआ. ओके चलो, अब डिवाइड जो हो रहा है वो तो पता चल गया. इधर का वोल्टेज ड्रॉप होगा V. पहले के लिए मैं ओम्स लॉ लगाता हूँ, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ लगाता हूँ. तो V इक्वल्स टू I1 R1 बोल सकता हूँ. तो इधर से मैं I1 को क्या निकालू? I1 को क्या बोल सकता हूँ?
इसका मतलब देखो v तो कांस्टेंट है, अब हर एक रेजिस्टेंस के लिए v कांस्टेंट है. Yes. तो जो करंट जो डिवाइड हो रहा है मैं बोल सकता हूँ वो किस पर डिपेंड होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. कर्तव्य समझ में आ रहा है? कर्तव्य दिमाग की घंटी बजी. यस सर. ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम ये सब कि भाई करंट जो होगा वो इनवर्सली आर पे डिपेंड करेगा. जहां ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां कम करंट जाएगा, जहां कम रेजिस्टेंस है वहां ज्यादा करंट चला जाएगा. आया समझ में सर? तो अगर जैसे एक करंट है तो और ये मतलब ये आर वन आर टू और आर थ्री, तो सर वो अगर आर वन जा रहे तो सर आर टू और आर थ्री का तो काम ही नहीं है ना. आर वन क्या बोल रहे हो? आर वन मतलब अगर एक ही कुलम्ब है तो वो मतलब आर वन से जाएगा. एक कुलम्ब जा रहा है आर वन से. ओके. हाँ तो आर टू और आर थ्री का उस समय काम नहीं है. हाँ कोई उसमें से कोई नहीं जाएगा ऐसा बोल रहे हो तुम? हाँ सर उसमें से कुछ नहीं जाएगा. अरे यार तुम तो बहुत बड़े वाले निकले. तुम ऐसा बोलना चाहते हो कि इधर से 1 एम्पीयर करंट जा रहा है तब क्या होगा, ये पूछ रहे हो ना? यस सर. हे भगवान. चलो तो तुम ऐसा कहना चाहते हो कि अगर 1 एम्पीयर निकला तो क्या सारे के सारे एक में से जाएंगे, बाकी इसमें 0-0 जाएगा, ऐसा पूछ रहे हो? यस सर. ऐसा होगा क्या? और तुमने ऐसा क्यों पूछा? अब सोचो बेटा, एक कुलम्ब का मतलब क्या हुआ? 1 एम्पियर करंट मतलब 1 कुलम्ब पर सेकंड. तो तुम ऐसा बोल रहे हो ना कि 1 डिवाइड नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल रहे हो तुम? यस सर. ऐसा ही बोलना चाहते हो ना कि 1 डिवाइड नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल रहे हो? यस सर. तो 1 डिवाइड तो हो ही सकता है ना बेटा. हो सकता है कि भाई 1 कुलम्ब में से इधर 0.5 गया, इधर 0.2 गया, इधर 0.3 गया. नहीं हो सकता ऐसा? सर ये हम पर्सन ले रहे इसलिए वो कंफ्यूजन होगा उसको थोड़ा. हाँ हम लोग तो पर्सन ले रहे इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है. एक्चुअल में 1 कूलम का मतलब क्या होता है? 1 कूलम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स. इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो डिवीजन तो आराम से कर सकता है बेटा. कर्तव्य समझ में आया? Yes, sir. ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए 1 कूलम की बात चल रही है, वरना एक्चुअल में कौन फ्लोर है? इलेक्ट्रॉन. और वो तो बहुत सारे हैं तो इजीली डिवाइड हो जाएंगे. और अकेला इलेक्ट्रॉन, अब ऐसा मत पूछना कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका क्या होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको मैं करंट बोल ही नहीं पाऊंगा, निकलेगा भी नहीं वो. आया समझ में कर्तव्य? यस सर समझ आया. ओके तो वो तो कुलम्ब कुलम्ब चल रहा था इसलिए तुम ऐसा समझ रहे हो कि भाई एक आदमी निकलेगा तो क्या होगा. एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे निकल रहे हैं. समझाने के लिए मैं एक आदमी की बात चल रही है. चलो तो वी आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. आई वन को मैं लिख सकता हूँ वी अपॉन आर वन. सिमिलरली आई टू को क्या लिखू? वी अपॉन आर टू. आई थ्री को क्या लिखू? वी अपॉन आर थ्री. कोई प्रॉब्लम? और मैं इसको इधर एड कर लेता हूँ तो I की वैल्यू आई कितनी? V by R1 plus V by R2 plus V by R3. V कॉमन लेके उस तरफ फेंक दो तो आएगा I by V. I by V को मैं लिख सकता हूं क्या? 1 upon R net. ओके टोटल करंट अपॉन टोटल वोल्टेज तो आ जाएगा 1 upon R net. हाँ या ना? ओके okay, कोई भी आई बाई वी नहीं ले रहा हूं मैं. आई क्या ले रहा हूं? या यहाँ पे आई सिग्निफाई हो रहा है टोटल बैटरी से निकलने वाला करंट. वी सिग्निफाई क्या कर रहा है? बैटरी का वोल्टेज. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर नेट. ओके हाँ बोलो सर. आपका बहुत ब्लर है स्क्रीन. वो धीरे धीरे हो जाएगा बेटा क्लियर, या फिर तेरा कनेक्शन स्लो होगा. कुछ भी नहीं दिख रहा क्या लिखा है? ऐसा है क्या? बाकी नहीं सर, दिख रहा है, दिख रहा है. इंटरनेट चला गया बेटा. रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग. ओके चलो समझ में आ गया. तो भाई नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे निकलेगा? नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में निकलेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. आ गया? एनी डाउट? नो सर. कोई डाउट? नो सर. चलो इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं, यही वाला उठा के कर लेते क्वेश्चन. चलो कोई नहीं, अलग से ड्रॉ करना ही पड़ेगा.
ओके, तो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज पे, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस पे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। चलो सर्किट ले ली, यहाँ पे एक दूसरा, यहाँ पे एक तीसरा। ओके, मुझे ये पता है कि इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो है 2 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस जो दिया है वो दे रखा है 4 ओम। ओके, मुझे दूसरी चीज ये पता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम और तीसरी चीज ये पता है कि इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। ओके, तुम्हें फाइंड कर रहा है कि भाई इसका करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना जाएगा, बैटरी का वोल्टेज कितना होगा, बैटरी से कितना करंट निकला, ये सब तुम्हें फाइंड करना है। जल्दी जल्दी कर लो, समझ में आया क्या क्या फाइंड करना है? सब लोग ट्राई करेंगे। ट्राई करो ये। सर हाँ सर, आप एक बार जो वैल्यूज है वो ऑलरेडी डिक्टेट कर सकते हो? हाँ डिक्टेट बोलता हूँ बेटा, कि जो पहला वोल्टेज है उसका नहीं दिया है, करंट भी नहीं दिया है, वो तुम्हें फाइंड करना है। बैटरी की यहाँ की ओम्स रेजिस्टेंस में दे रखा है 10 ओम, यहाँ पे 2 ओम, इधर 4 ओम, तो मैं I1, I2 और I3 दे रखा है 2 एम्पियर। सर अभी दिख रहा है बेटर थोड़ा पहले से। ओके कर लो। सर वोल्टेज 8 है। हाँ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 8 वोल्ट सर। 8 वोल्ट। उसके बाद I1 is equal to 0.4 एम्पियर। I1 कितना आया? I2 कितना आया? फटाफट फाइंड करो। I2 4 एम्पियर और I तो डायरेक्ट है, 0.4 प्लस 4 प्लस 2। I1 0.8। आ रही है। हाँ चलो बताओ क्या आएगा इसमें। I1 equal to 0.8, फिर I2 equal to 4 एम्पियर, ओके, और I equal to 0.8 plus 4 plus 2, 6.8 एम्पियर। 6.8, ओके। आ गया बेटा बाकी सबका? नहीं आया? दिक्कत आ रही है करने में या सबसे हो गया? सर एक बार बता दो। हाँ गुड, ऐसा बेटा पूछोगे नहीं तो मैं फिर बताऊंगा नहीं। ओके, पूछना तुमको जरूरी है। चलो क्या करेंगे बेटा, इसमें V नहीं दे रखा है, I नहीं दे रखा है, बहुत बढ़िया, 10 दे रखा है, 22 दे रखा है, इधर 4 दे रखा है। तो पहली मेथड एक ये है कि या तो मैं इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस निकाल लूं, ये पहली मेथड है। ओके, पहली मेथड क्या है कि भाई मैं R नेट निकाल लूं। ओके, उससे तुम्हें टोटल नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, बट उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? बिकॉज वोल्टेज भी नहीं दे रखा, करंट भी नहीं दे रखा। अगर दोनों में से कोई एक दिया होता तो वो मेथड इजीली हो जाती। तो अब क्या करेंगे, क्या दे रखा है उस पर ध्यान दो। यहाँ पे 4 दे रखा है, इधर 2 दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस, इसमें जाने वाला करंट, तो उससे वोल्टेज मिल जाएगा I3 into R3। एक्चुअल में I3 है, ये R3 है हमारे हिसाब से। मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8 वोल्ट। ओके, तो ये आया 8 वोल्ट। तो अगर ये 8 वोल्ट है तो ये भी इधर भी 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ये भी 8 वोल्ट, बिकॉज पैरेलल में कांस्टेंट है और ऊपर भी 8 वोल्ट लिख सकता हूं मैं। चलो इसके बाद मैं क्या करता हूं, तो इसके बाद मैं बोलता हूं कि भाई इधर के लिए वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट मिल जाएगा। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर, बहुत बढ़िया। इधर रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो इधर से I1 मिल जाएगा V अपॉन R1 विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर। तो 4 मिल गया, 0.8 मिल गया और इधर 2 है, टोटल ऐड कर लो, 0.8, 4 और 2 कितना हुआ?
6.8 को ऐड कर लो, 6.8 एम्पियर आ गया. कोई डाउट? नो सर. कोई डाउट? चलो इसके अंदर ही एक चेंज कर लेते हैं. सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम है. ओके, एक छोटा सा मैं चेंज कर लेता हूँ. इधर एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, इधर एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ 5 ओम का. बाकी सब कुछ सेम है. 5 ओम का मैंने एक छोटा सा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इधर 5 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, अब क्या होगा? अब वापस वही सब कुछ फाइंड करना है तुम्हें. अब कैसे करेंगे? अच्छा, ये वोल्टेज दिया नहीं है. ओके, हमको पहले जितना दिया था उतना ही दिया है. इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसमें जाने वाला करंट दिया है. बाकी सब वापस फाइंड करो. सिर्फ एक छोटा सा फाई लगा दिया, उससे फर्क क्या पड़ेगा वो सोचना है. करोगे या बता दूं? सर कर लेंगे सर. ओके, करो जल्दी से. हो गया सर. वो जो 5 ओम वाला है उसको आई उसका जो करंट होगा वो आई फोर ले लेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना? क्या बोल रहे हो सर? जो 5 ओम वाला रेजिस्टेंस है ऊपर सबसे पहले, हाँ, उसमें उसका जो करंट होगा इलेक्ट्रिक करंट उसको आई फोर ले लेंगे तो चलेगा? कितना ले लिए? आई तो डायरेक्ट आई टू आई थ्री का सम है ना बेटा, दिमाग लगा के करो ना तो ज्यादा इजी होगा. चलो देखो क्या करते हैं. कल निकालना क्या है ये सुनो ध्यान से. ये होने से क्या इस पे फर्क पड़ेगा? ये होने से क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? ये तो वापस में ओम्स लगा के इधर वोल्टेज निकाल दूंगा 8 वोल्ट. इधर भी वोल्टेज 8 वोल्ट, इधर भी वोल्टेज 8 वोल्ट. क्या इधर का भी वोल्टेज 8 वोल्ट होगा? नहीं होगा बेटा, दिमाग लगाओ. मैंने बताया था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है. उसका वोल्टेज बैटरी के जैसा होना हमेशा जरूरी नहीं है. कंपलसरी नहीं है कि बैटरी के जैसा हो. कब बैटरी के इक्वल होगा? जब और कोई रेजिस्टेंस ना हो तब बैटरी का भी उतना ही होगा. बट जब और कोई रेजिस्टेंस आ गया तो बैटरी का 8 वोल्ट नहीं होगा. क्यों? ध्यान से वापिस वही सोचो कि आदमी निकला इधर से कुछ एनर्जी लेके, उसको इधर तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी कंपलसरी. उसके बाद इधर वो 8 वोल्ट देगा तो चलेगा, बट इधर तो कुछ ना कुछ उसको पे करना पड़ेगा. समझ में आ गया? तो इधर कुछ एनर्जी उसकी लूज होने वाली है. तो मतलब बैटरी का वोल्टेज 8 से ज्यादा होगा. 8 तो नहीं होगा, 8 से ज्यादा होगा. चलो कैसे करेंगे? तो फिर कोई बात नहीं, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, वोल्टेज मिल गया है सब में. इसमें रेजिस्टेंस की वजह से मतलब करंट दे रखा था इसमें 2, तो इसमें भी वापस वही कैलकुलेशन करके 4 एम्पियर करंट इधर आएगा और इधर 0.5 एम्पियर आएगा. Which means, इधर से करंट कितना आया? 0.5, 4 और a 0 कितना है? ये 2 है. टोटल करंट कितना आया? 6.5. वापस वही आया 6.5 एम्पियर. उतना ही करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी से भी उतना ही निकलेगा 6.5. अब जब 6.5 एम्पियर करंट इधर से पास होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कितना करेगा? I into R, 6.5 into 5. कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा? हाँ या ना? V equals to IR लगाया मैंने इधर. 6.5 into 5 कितना? 32.5. पक्का? चलो तुम बोल रहे हो तो मैंने मान लिया. 32.5 वोल्ट इधर खराब हुआ. टोटल बैटरी का वोल्टेज अब कितना होगा? तो बैटरी का 8 प्लस 32.5. समझ में आया? 40.5 बैटरी का वोल्टेज होगा. करंट वापस उतना ही 6.5.
आ रही है? आ रही है। करंट उतना ही, ओके 6.5। चलो बाय बाय। असाइनमेंट बाय सर। असाइनमेंट ग्रुप पे पोस्ट करूंगा। ड्यू डेट बाय बाय। ड्यू डेट डेट सर। ड्यू डेट दो दिन, दो दिन। अच्छा।